को मौत के घाट उतार दिया है। युवती को परेशान करने पर भाई ने सहयोगियों के साथ हत्या के आरोप को स्वीकार कर लिया है, जिसका खुलासा एएसपी आकाश भूरिया ने प्रेस वार्ता कर किया। यह घटना उज्जैन जिले के औद्योगिक नगर नागदा से लगभग 15 किलोमीटर दूर गांव हेड़ी की है, जहां पर युवक की हत्या से जुड़ी जानकारी एएसपी आकाश भूरिया ने थाना प्रांगण में एक प्रेस वार्ता के दौरान दी। पुलिस अधिकारी के मुताबिक हत्या के आरोप में 4 आरोपितों के नाम सामने आए हैं, जिनमें से 2 नाबालिग आरोपी हैं। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसमें संदीप पुत्र मोहनलाल चौधरी व दिनेश पुत्र मोहनलाल चौधरी समेत नाबालिग के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया है। पुलिस ने बताया कि संदिग्ध नाबालिग की बहन से मृतक युवक आए दिन छेड़खानी करता था। युवती आरोपित संदीप चौधरी की चचेरी बहन है। भाई को अपनी बहन के साथ इस प्रकार की बुरी नजर रखना नागवार गुजरा। वह उसे मौत के घाट उतारने की योजना बनाई, वह कामयाब भी हुए। पुलिस के मुताबिक संदीप ने पूछताछ में यह बात स्वीकार की है कि शहजाद नाबालिग की बहन के साथ छेड़खानी करता था, इसलिए उसने अपने नाबालिग दोस्तों के साथ मिलकर हत्या कर दी। नाबालिग व संदीप चौधरी के खिलाफ धारा 302 व 34 में प्रकरण दर्ज किया गया। मौके पर पहुंचे एएसपी आकाश भूरिया व नगर पुलिस अधीक्षक मनोज रत्नाकर के निर्देश पर थाना प्रभारी नागदा श्याम सुंदर शर्मा के नेतृत्व में गांव बानंका थाना घट्टिया से मोहनलाल चौधरी के मकान से आरोपितों को पकड़ा गया है। कल रात में डायल 100 के माध्यम से थाना नागदा में सूचना प्राप्त हुई थी कि गांव हीड़ी में एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई धारदार हथियार से गला काट करके, जिस पर से तत्काल डीआई नागदा श्री श्यामचंद शर्मा द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत करा करके स्वयं मौके पर रवाना हुआ। तत्पश्चात सीएसपी नागदा और मेरे द्वारा स्वयं मौके पर पहुँच के मौके का निरीक्षण किया गया। वहाँ पर जाकर के देखा तो पता चला कि मृतक शहजाद, जिसकी लाश खेत में एक बंदी के किनारे लहूलुहान अवस्था में पड़ी थी। गांव के ही उनके रिश्तेदारों से पूछताछ करने पर उनके द्वारा कुछ संदिग्ध व्यक्तियों का नाम बताया गया, जिस पर से तत्काल मौके पर ही टीम बना करके 2-3 टीमें विशेष रूप से उनकी गिरफ्तारी और उनसे पूछताछ करने हेतु रवाना की गई। मौका वारदात पर न मिलने एवं सकूनत पर न मिलने से गोपनीय तरीके से जो सूचना मिली उसके आधार पर टीआई नागदा, टीआई बिरला ग्राम, टीआई सिंगोरिया और सीएसपी साहब द्वारा स्वयं टीम का नेतृत्व कर दोनों ही आरोपियों को ग्राम बांध का थाना महितपुर से गिरफ्तार किया गया। इसमें से एक आरोपी संदीप एवं एक अन्य औपचारी बालक होने से उन्हें शीघ्र ही कस्टडी में लेकर के पूछताछ की गई, जिनके द्वारा घटना करना स्वीकार किया गया। साथ ही उनके द्वारा घटना स्वीकार करने के पश्चात घटनाकारित करने के पश्चात अपने भाई दिनेश को फ़ोन किया गया, जहां पर दिनेश ने उसे मोटरसाइकिल पे उन दोनों को बिठा करके नारायणा गांव में छोड़ा, जहां पर उनके एक अन्य रिश्तेदार जिन्हें फ़ोन करके बुलाया गया, वो भी औपचारी है, नाबालिग है, तो उनके द्वारा कार लेकर के आया गया और संबंधित संदिग्धों को, आरोपियों को अपने ग्राम बांध का ले जा करके वहाँ पर अपने उसमें छुपा करके रखा गया। टीमों द्वारा स्वयं इस मौके की गंभीरता को देखते हुए तत्काल दबिश दे करके उनको ग्राम बांध का से गिरफ्तार किया गया। साथ ही 2 अन्य आरोपी, जिसमें एक आरोपी दिनेश और एक अन्य औपचारी बालक, जिनका कि इस अपराध में संलिप्तता पाए जाने से उन्हें भी तत्काल कस्टडी में लिया गया। उज्जैन से राजेंद्र परिहार की रिपोर्ट।